फिरोजाबाद जनपद के शुकवाबाद में सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का 350वां जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर के कटरा बाजार सान वाली गली स्थित गुरुद्वारे को फूल मालाओं से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं द्वारा अरदास और संकीर्तन का भी आयोजन किया गया था। शबद कीर्तन में गुरुवाणी के माध्यम से लोगों में आपसी प्रेम को जागृत किया गया। तपस्या सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लंगर रूपी प्रसाद का भी आनंद उठाया, जो देर शाम तक चलता रहा। इस पावन प्रकाश पर्व पर रोटी बैंक के पदाधिकारियों का भी सम्मान के साथ ही गरीबों को कंबल वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर हरचरण सिंह चन्नी, राजीव गुप्ता, जगदीश सिंह, मोहन लाल अग्रवाल, वरुण सिंगल, ग्रेवी सिंह, संजीव कुमार उर्फ कुकू, मणि मल्होत्रा, हरभजन सिंह, कुलदीप सिंह के अलावा सैकड़ों की संख्या में सिख समुदाय के श्रद्धालु उपस्थित रहे। तो देखते रहिए हैक्स न्यूज। आज हमारे गुरु गोविंद जी का बर्थडे था, जन्मदिन था, और बहुत अच्छे से यहाँ मनाया गया। और चन्नी भाई, ताली भाई और काफ़ी लोग हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरु गोविंद जी का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, इन लोगों ने हमको बुलाया, इसके लिए इनका धन्यवाद। हमें भी गुरु गोविंद जी का आशीर्वाद मिला, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हिंदू धर्म के महान रक्षक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पावन प्रकाश पर्व है, और उसी के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब में ये प्रोग्राम रखा गया है। और मैं इस उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पूरी दुनिया में आज ये पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व पर हमें बड़ा खुशी है कि कुछ मन मुटाव गुरुद्वारों की कमेटियों में था, उसे भी आज गुरुद्वारा कमेटियों ने मिलकर दोनों गुरुद्वारों की कमेटी को एक घोषित किया, और एक घोषित करने के बाद ये बिल्कुल तय हो गया कि आगे कोई भी प्रोग्राम होगा जो सनातन धर्म से जुड़ा होगा उसको पूरे ही शान शौकत के साथ मनाया जाएगा। तो आज मुझे बड़ा खुशी है कि इस पावन प्रकाश पर्व पर रोटी बैंक के लोगों ने आकर जो शोभा बढ़ाई है, मैं पूरी रोटी बैंक का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और गुरुद्वारा साहब की तरफ से ये अरदास करता हूँ कि इनको इतनी शक्ति बख्शे कि ये गुरु के लंगर की तरह ये लंगर बराबर चलाते रहें, और यही मेरी सभी के लिए प्रार्थना है। मीडिया बंधु का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आज यहाँ पहुँचकर गुरु साहब के इस उद्देश्य को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया है। धन्यवाद। बोले सो निहाल।